बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर जॉब्स इन पाकिस्तान। आज मैं आपको बताऊंगा नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जॉब्स 2023। द इंटीरियर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अनाउंस न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान नेशनल एक्ट नेक्टा। नेक्टा इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसमें बहुत सारी असामियों का ऐलान किया है, 150+ असामियाँ इसके अंदर, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनल्स हु आर यंग, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग मस्ट अप्लाई फॉर दिस करियर अपॉर्चुनिटी। दिस फेडरल गवर्नमेंट जॉब 2023 आर अनाउंस फॉर सिविलियंस एंड आर्मी रिटायर्ड पर्सन। इसमें सिविलियंस भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी रिटायर्ड पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी रिटायरमेंट को 2 साल हो चुके हैं या उससे कम अरसा है, सिर्फ वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अरसा वाले लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी तफसील आज कुछ यूँ है। NECTA has announced over 150 posts in its technical branch, counter terrorism branch. ठीक है, 150+ इसमें असामियाँ हैं जिसमें टेक्निकल ब्रांच है, काउंटर टेररिज्म ब्रांच है, काउंटर फाइनेंसिंग है ऑफ टेररिज्म ब्रांच है, काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म ब्रांच है, इंटेलिजेंट विंग है और कम्युनिकेशन एंड आउटरीच ब्रांच है। ठीक है, जिसमें असामियों की नाम है उसमें है, सबसे पहले है सीनियर डाटा साइंटिस्ट है, BPS 19 है स्केल इसका, फिर डाटा साइंटिस्ट BS 18 है, जूनियर डाटा साइंटिस्ट है BS 17, टेक्निकल ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, सीनियर एनालिस्ट, एनालिस्ट, जूनियर एनालिस्ट और लिंग्विस्ट हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट कोटा बयान किया गया है, ठीक है, उनमें पंजाब, खैर पख्तूनख्वा, सिंध, रूरल सिंध, अर्बन, बलोचिस्तान, एक्सवाटा, AJK एंड ओपन मेरिट भी है इसके अंदर। इसमें तालीमी एजुकेशन जो इन्होंने मांगी है, एप्लीकेंट्स हु विश टू अप्लाई मस्ट हैव एट लीस्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 16 साल उन्होंने तालीम कम्प्लीट किए हुए, दे मस्ट हैव क्वालिफिकेशन इन मीडिया स्टडीज़। ठीक है, मीडिया स्टडीज़ के लोग इनको चाहिए, जिसमें स्पेशल ट्रेनिंग कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, IR, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, टेररिज्म एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजिक स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, IT, कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा साइंस। इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट लोग इनको चाहिए जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द एज लिमिट ऑफ ईच वैकेंसी इज डिस्क्राइब। ठीक है, इश्तिहार में जो है ना वो एज लिमिट भी बयान की गई है जिस जॉब के लिए इनको दरकार है। ठीक है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी इनको दी गई है उसके अंदर। नेक्टा विल कंडक्ट अ टेस्ट इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ रेगुलर अपॉइंटमेंट। ठीक है, टेस्ट इंटरव्यू होगा अपॉइंटमेंट के लिए। टेस्ट फी इफ एनी विल बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। ठीक है, टेस्ट फी भी है जो आपको पे करनी होगी। रिटायर्ड आर्म फोर्सेस वालों के लिए है ऑफर्स, मस्ट हैव रिटायर्ड विद इन लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के अंदर में जो रिटायर हुए वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्लोज, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा अपनी एज, किसी भी गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आप एज कैलकुलेटर के हिसाब से आप अपनी उसमें डेट डाल के देख लेंगे कि आपकी क्या एज बनती है। ठीक है, इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार ये है जी, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर। नेशनल जॉब पोर्टल पे सिंपल एक आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, अकाउंट रजिस्टर करने के बाद उसके ऊपर एक स्लाइड सी आ रही होगी जिसके ऊपर ये तमाम असामियाँ दर्ज होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप मेन पेज के ऊपर जाके वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसका तरीकाकार मैं अभी आगे जाकर बताता हूँ। ठीक है, 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और इन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, जैसे आप नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो एंड में आपको दे दी जाएगी, जिसमें आपको तमाम तर डिटेल मौजूद हैं उस वीडियो के अंदर कि आप इसमें अकाउंट कैसे अपना बनाएंगे, अकाउंट बनाने के बाद आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो तमाम तर तरीका उस वीडियो में मौजूद है। ठीक है, सिंपल इसका मैं सरसी सा बताता हूँ। यहाँ पर साइनअप करेंगे, साइनअप करने के बाद ठीक है आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे इसके अंदर। वेरीफाई के बाद जो भी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपली इसके सामने अप्लाई नाउ का बटन होगा तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये इसमें तमाम जॉब्स हैं जो आपको
अवेलेबल हैं इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट की असामी के लिए अप्लाई करना हो तो ये नेशनल जॉब पोर्टल का एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर लेटेस्ट असामियाँ अप्लाई होती रहती हैं। इसका अकाउंट आप बना के रखें, जैसे ही कोई नई असामी अपलोड की जाएगी तो आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, जो आपको सूटेबल हो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। वीडियो के एंड में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा जहां पर आप जाकर इस नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और अप्लाई कैसे करना है, तमाम तरीका समझा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।